नमस्कार, मेरा नाम काजल है और आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में आदिवासी युवतियों पर रस्सी बम फेंकने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद इसकी शिकायत पुलिस विभाग को की गई, जिसके आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक आदिवासी युवतियों पर सरेआम रस्सी बम फेंकने का मामला झाबुआ जिले के पेटलावत तहसील का बताया जा रहा है, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से असामाजिक तत्व के युवक ने आदिवासी युवतियों पर जानबूझकर रस्सी बम जलाकर फेंका और उसका वीडियो भी बनाकर फेसबुक पर वायरल कर दिया। जब आदिवासी समाज के लोगों को इस बात की भनक लगी तो इस मामले की शिकायत पुलिस को की गई है, जबकि पुलिस ने रस्सी बम फेंकने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कल का जो गोड़ी परवा का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, ये पीड़ा हम आदिवासी समाज कब तक झेलते रहेंगे? शिवराज मामा रोज घोषणा करते हैं मेरी भांजियों पे अत्याचार होगा, मैं सहन नहीं करूंगा। क्या उन दोषियों पर कार्रवाई होगी? अगर नहीं होती है कार्रवाई तो आदिवासी समाज आंदोलन की ओर जाएगा। जैसा कि आप लोगों को विदित होगा, फेसबुक पे एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें हमने तत्काल एक्शन लेके उस पर कार्रवाई करी है। जो भी इसमें युवक दिख रहे थे, जो बच्चों के साथ जिन्होंने पटाखे उनके ऊपर छोड़े थे, उन पर हमने कार्रवाई करी है। अभी हमने इसमें IPC की धारा 336 की FIR की है। फिलहाल अभी हम लोग जो आरोपी वीडियो में दिख रहे थे उनको हमने अरेस्ट कर लिया है, और उसके अलावा अगर कोई भी आता है तो हम उनको अरेस्ट करके कार्रवाई करेंगे। कितने लोग हैं टोटल? अभी हम उसकी जानकारी हम बाद में आपको दे देंगे। इस विषय पर आखिर आपकी क्या राय है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अभी के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज़। खबरों को और भी विस्तार से देखने के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।